भारतीय किसान यूनियन भानु की मीटिंग प्रदेश कार्यालय इमलिया पर संपन्न हुई। जश्ना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप ने किसान आयोग के गठन के बारे में चेतावनी दी है। 3 अक्टूबर को उग्र आंदोलन करने की तैयारी चल रही है। अगर किसान आयोग का गठन नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेगी। किसान आयोग को लेकर मांग की गई है। राष्ट्रीय मुख्य महासचिव देशराज भगत जी ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन भानु का मुख्य उद्देश्य है किसान आयोग का गठन करवाना। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन भानु उग्र आंदोलन करेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में करेगी, देश के कोने कोने में हर जगह पर आंदोलन होंगे। ऐसा है, ये इमलिया, उमरगढ़, अब फिरोजाबाद जिला में पड़ता है। पहले ये ईटा में था, तब चौधरी महेंद्र सिंह कैर यहाँ आए थे, यहीं उन्होंने हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा की थी। ये कार्यालय तभी से भारतीय किसानों चलता है, अब भारतीय किसानों भानु हो गया है, तब से ये कार्यालय भारतीय किसानों भानु का हो गया है। आज समीक्षा बैठक थी पूरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जो लगे हुए प्रदेश हैं उनसे पदाधिकारी बुलाए हैं और उनको ये बताया है कि अब ईमानदार संगठन है भारतीय किसान भानु और उसके समाप्त पदाधिकारी 100% ईमानदार है और जो कोई गड़बड़ सड़बड़ करने वाला आता है तो उसमें निकाल के अलग कर दिए, कर देते निकाल के। अब तक हम 23 महारथियों को निकाल निकाल के अलग कर चुके हैं, उन्होंने अपने छोटे मोटे संगठन बना के अपनी दालरोटी बना रहे हैं। तो इसलिए था यहाँ कि एक देश में बहुत बड़ी तैयारी कर रही है, चूँकि महेंद्र सिंह टिकैत इस कार्यालय पे आकर हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तो इसी कार्यालय पे हम किसान आयोग का गठन करवाने के लिए, किसान आयोग का गठन करवाने के लिए और 75वां स्वतंत्रता दिवस हो गया, 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान के कर्जे जो हैं उनको माफ करवाने के लिए किसान आयोग में केवल किसान रहेंगे, सरकारी आदमी या सरकारी अधिकारी एक भी नहीं रहेगा। किसान, गन्ने का किसान, गेहूं का किसान, आलू का किसान, धान का किसान, सरसों का किसान, मूंगफली का किसान और किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसान होगा, ये हमारी मांग है। 40 साल से हम अराजनैतिक रूप में काम कर रहे हैं, किसानों की जो समस्या होती है उसके समाधान के लिए सबसे पहले मिले थे स्वर्गीय राजीव गांधी से, तब से जितने प्रधानमंत्री हुए सबसे मिलते रहे और इधर माननीय नारायण तिवारी होते थे, तब से उनसे लेकर सबसे बाबूजी से, माननीय मुलायम सिंह से, बहन जी से, अखिलेश से, रामदास जी से, राजनाथ सिंह से, यानी सब मुख्यमंत्रियों से, अब इन स्वामी जी से जो हमारे योगी आदित्य। अब हमारा कहना ये है कि हम इसी कार्यालय से 3 अक्टूबर को महापंचायत, विशाल महापंचायत भारतीय किसान की बुलाकर यहीं पर मुख्यमंत्री देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।